पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम आदित्यनाथ योगी ने बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के परिवार को 40 लाख रुपए और माता पिता को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही परिवार को पेंशन और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तन्मयता से, बहुत ही गंभीर तरीके से परिवार वालों की बात सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से और पूरे सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि परिवार एक अभिन्न अंग बनकर रहेगा और इन दोनों बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं होगा। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, पूरा परिवार मिला और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा और जो भी आरोपी है इस प्रकरण के पीछे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सुबोध सिंह के परिजनों से संवेदना जताते हुए हर संभव मदद करने के साथ न्याय का भरोसा दिलाया। परिजनों ने भी सरकार से न्याय की उम्मीद जताई। सरकार की तरफ से कहा गया कि सुबोध कुमार का बड़ा बेटा सिविल सर्विसेज और छोटा बेटा वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई में सरकार मदद करेगी। तो वहीं सुबोध सिंह के नाम पर कॉलेज बनाया जाएगा। परिवार पर 30 लाख रुपए का कर्ज है, इसे भी सरकार चुकाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन।